में आईपीएल बहुत मशहूर, आईपीएल, और वो आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर मालूम है, कलकत्ता नाइट राइडर, तो कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी है रसल, रसल का नाम नौजवान लोग जानते होंगे रसल, वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्का मारते हैं, सिर्फ छक्के ही मारते रहते हो, उनका बाल उसी टाइप का है, यानी चारों तरफ से काट के बीच में उठाए हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था गुनाहों की सजा मिल के रहेगी, नौजवानों के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, वो थे जो रात रात भर नमाज पढ़ते थे, आज हम रात रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ एक स्टाइल और भी है बाल काटने की, अब देखिए मैंने सर खोल दिया, खोला, इसमें स्टाइल तो है ही नहीं, आए सही, बाल काटने का देख रहे हैं, ये चारों तरफ से काट के बीच में उठा देते हैं, नया स्टाइल, वो हिलते रहता, देखिए इस तरह हिलते रहता, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा वरना मैं आपको बता देता, या कितने लोग होंगे वो छुपे होंगे, छुपा के रख लिए, तो ये चारों तरफ काट के बीच में उठा देते हैं। आपके यहाँ असल में फुटबॉल बहुत मशहूर है, फुटबॉल, लेकिन क्रिकेट भी मशहूर हो गया है, और क्रिकेट में आईपीएल बहुत मशहूर है, आईपीएल, और वो आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर मालूम है, कलकत्ता नाइट राइडर, तो कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी है रसल, रसल का नाम नौजवान लोग जानते होंगे रसल, वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्का मारते हैं, सिर्फ छक्के ही मारते रहते हो, उनका बाल उसी टाइप का है, यानी चारों तरफ से काट के बीच में उठाए हुए हैं। अगर आप बंदर का मुंह देखिएगा या सुअर का मुंह, समझे ना, बानर का मुंह या सुअर का मुंह, उसका मुंह मिलाइए तो वैसे ही बाल लगता है, लेकिन हमारे यहाँ काट रहे हैं, हदीस के अंदर ये मना है, यानी तरबियत अगर बच्चे की बचपन से नहीं होगी तो आगे चल के सुधरेगा, बिगड़ जाएगा। हदीस के अंदर आया सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यन्हा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से मना फरमाया, कज़ा मतलब ये चारों तरफ काट देना और बीच में छोड़ देना, या कुछ काट देना और छोड़ देना, आज अपने यहाँ ये सब चल रहा है। एक चीज़ और भी बता दूँ, यानी नौजवानों की खराबी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह, उनकी दाढ़ी भी है, सब कुछ भी है, और दाढ़ी के बारे में एक बात और मैं मिसाल देके समझाता हूँ, दाढ़ी वाले अच्छे लगते कि नहीं लगते, अच्छे। जंगल में दो शेर होता, जंगल में दो शेर है, एक शेर दाढ़ी वाला है और एक शेर दाढ़ी वाला नहीं है, जो दाढ़ी वाला शेर होता उस शेर को क्या बोलते हैं, बब्बर शेर, जानते, बब्बर शेर, पूरा बाल उसका रहता ऐसा एकदम दाढ़ी की तरह लटकता, बोले बब्बर शेर। तो मैं इनको कहूं कि आप बब्बर शेर हैं तो खुश हो जाएंगे। एक शेर और है जंगल में जिसको दाढ़ी नहीं होती, उसका नाम है शेरनी, उसका नाम है शेरनी, यानी मेल फीमेल, वो लेडीज है। तो अगर मैं किसी को कहूं कि आप शेरनी हैं तो अच्छा लगेगा, अरे मुझको शेरनी बना दिए, मैं शेर हूं शेर। तो अगर शेर बनना है तो दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा ये दाढ़ी वाला शेर आ रहा है शेर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाए बढ़ाओ बढ़ाओ, तो नौजवानों में भी ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं, अपने यहाँ क्या शादी ब्याह के मौके पर माँ बाप भी बोलते, अरे बेटा इतनी दाढ़ी रखेगा, कितनी लेडीज बोलती है मुझको दाढ़ी वाला आदमी नहीं चाहिए, है चल रहा है बहुत सारी जगहों पर, बड़ा मसला। और आप लोग के यहाँ दान दहेज भी लेते हैं क्या, क्योंकि एक बच्ची ने दान दहेज के ऊपर तकरीर किया उर्दू में किया, इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ गया, लेकिन उर्दू में भी बहुत हार्ड उर्दू थी कहीं कहीं की, जो मुझे भी समझ में नहीं आई, यानी इतनी हार्ड उर्दू में उसने याद कर लिया है, लेकिन याद किया, बहुत अच्छा याद किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोगों के यहाँ दान दहेज में लेन देन भी होता है क्या, होता है, करते हैं लोग, अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा होने लगा, और सब माशाल्लाह किताब सुन्नत वाले हैं, सब अहले हदीस हैं और सलफी लोग हैं, और ये सब लेन देन करते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, अल्लाह हो। अपने यहाँ जो बंगला में तकरीर हो रही थी उसमें अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया सुना रहे थे, अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, शेख अब्दुल कबीर साहब सुना रहे थे, सही बुखारी किताब उन्होंने कहा हदीस नंबर 5155,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और कहा शादी हो गई। अब यहाँ रुकिए, सहाबे कराम शादी कर लेते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं देते थे। आज यहाँ अगर मुखिया जी को नहीं दे, नेता जी को न दे, बड़े मौलाना को न दे, नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं। आप में से कोई हज और उमरा करने गए हैं? कोई हाजी साहब है? हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, अल्लाह, उतना पैसा रख के क्या कीजिएगा? पैसा भूसा में रख रख के क्या कीजिएगा? पैसा निकालिए, हज कीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हाजी बना दे। जोर से बोलिए आमीन। सही, तो वो जो मस्जिद नबी जितने दूर में है मदीना उतना ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला सकते थे कि मेरी शादी में आइए, निकाह पढ़ा दीजिए। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले तो कहा शादी हो गई? बोले हाँ। तो दो चीज़ पूछा, आज हम और आप पूछते हैं, कितना मिला, क्या दिए, क्या खिलाए, बोले क्या खिलाए, चला कि नहीं चला, रोटी और बूटी, जानते हैं ना रोटी और बूटी, खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कितना दिए हो महर? आज महर लोग कम बांध रहे हैं और ले ज्यादा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक तहरीक चालू कर रखी है, जो मोहर ला के हाथ में नहीं देगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। पहले मोहर हमारे हाथ में दीजिए तो निकाह हम पढ़ाएंगे, वरना नहीं। जितना भी बांधे, 5,000, 10,000, 20,000 लाइए, हाथ में दीजिए। और माशाल्लाह ये तहरीक शोलापुर में, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ कामयाब है। 20 साल की मेहनत के बाद मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी, मौलाना जानते हैं नदवी साहब, उन्होंने मेहनत की तो वहाँ ऐसा हुआ कि कोई भी निकाह जब तक महर पहले नहीं देगा नहीं, माशाल्लाह सब दे रहे हैं। तो आप लोग भी अपने घर से शुरू कीजिए, हम नहीं लेंगे, दान दहेज नहीं लेंगे, बारात नहीं जाएंगे। अब आप बोलिएगा अरे मौली साहब सब जाते तो मैं भी जा रहा हूँ। अरे सब जहन्नम में जाएंगे तो आप भी जाइएगा क्या? सबको कब्र में अलग अलग हिसाब देना भाई। कुछ लोग बोलते हैं अरे मौली साहब बेटी में दिया तो बेटे में क्यों नहीं ले है? बोलते ना बेटी में दिया तो बेटे में क्यों नहीं लेने का, वसूल करो। अरे जिसको अपनी कमाई से पेट नहीं भरा, दूसरे की कमाई से पेट भर सकता? कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। इसलिए आहत कीजिए कि मैं अपने बेटे में नहीं लूंगा। ये मकैया गांव से शुरू कर रहा हूं और पंचायत में आप लोग बैठिए, इस पर कोई भी नहीं लेगा, और जो लिया बायकॉट, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जब तक इतनी सख्ती नहीं होगी, तकरीर करने से कुछ फायदा थोड़ा बहुत हो सकता हो, लेकिन बैठिए। और एक जगह मैं देखा, लोग जब बैठे तो पुराने जो दान दहेज लिए थे सब वापस किए, यूपी के अंदर की जगह, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बैठना है। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई, मौलाना साहब बोल रहे कि मैं यहाँ 3 बार आया हूँ। मैं कितनी मरतबा आया हूँ? अब आप लोग जानते हैं मुझे, मैं कितनी बार आया हूँ आपके गांव। इस मर्तबा में देखा तो आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं बहुत परेशान था जब भी इधर आता था, बंगाल झारखंड, ये बाहर मेला ठेला मिठाई कपड़ा लत्ता। इस मर्तबा आया तो कुछ भी नहीं है। ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? ये सब आप लोगों ने अहद किया ना कि हाँ मस्जिद में बैठकर मौली साहब नहीं होगा तो नहीं होगा। आज आप लोग अहद कीजिए इस मैदान से कि हम दान दहेज नहीं लेंगे। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं लेंगे वाला तो कर सकते ना, हम नहीं लेंगे, बारात नहीं जाएंगे, और जो भी लेन देन वाली शादी करेगा उस शादी का बायकॉट किया जाएगा, उसका निकाह कोई नहीं पढ़ाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे छोटी सी मेहनत शुरू कीजिए, अल्लाह बरकत देते। अभी देखिए इस जलसे में किस तरीके से आपने सबको साफ कर दिया। सब आप लोगों को खुद करना है। जब यहाँ मोहब्बत रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, और दिल में चोर रहेगा तो गड़बड़ी होगी। बस एक दो बात और मैं बयान करना चाह रहा हूँ, फिर बात को मैं ख़त्म करूँगा। तो कहना यह है मेरे भाइयों, हर चीज़ की शुरुआत अपने से करनी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या दिए, तो बोले मैंने ये दिया महर जो दिया। कहा बारकल्ला औलिम वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर करना गरचे बकरी ही क्यों ना हो।
अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर 100 ऊंट भी काट दें तो उनके पास दौलत बहुत है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोल रहे हैं वलीमे में बकरी ही क्यों ना हो। इससे पता चला शादी ब्याह में जब तक पैसे वाले अहद नहीं करेंगे, शादी ब्याह का जो ये सब खर्च हो रहा वो कम होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग सबको करना है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं जब तकरीर सुन रहा था उर्दू में शादी ब्याह के ऊपर, उसमें दो तीन पॉइंट बहुत अच्छे थे। आज कितने दीनदार बच्चे ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनको लोग अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं। क्यों? बेटी किसको दे रहे हैं? छत वाला, गाड़ी वाला, बंगले वाला, सरकारी नौकरी वाला। इसलिए मौलवी को लोग नहीं दे रहे हैं इल्ला माशाल्लाह, सरकारी नौकरी। और एक बात और बता दूं, बुरी लगेगी कि बात, लेकिन बात सही है, सरकारी जॉब जो भी करता है एक फितरी तौर पर उसके दिल में डर बैठा हुआ है, यानी वो हक बात ज्यादा बोल नहीं सकता, डरा हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मेरे भाइयों, नौकरी देने वाला ऊपर वाला कौन खिलाता है? अल्लाह। पिलाता कौन है? अल्लाह। आप नौकरी वाले से कर रहे, हो सकता आगे चल के उसकी जॉब चली जाए तो नौकरी खत्म हो सकती है। एक हदीस सुना देता हूं, मुसनद अहमद, हदीस नंबर 17395। जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा अच्छा नहीं है, खूबसूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा एक अंसारी के यहाँ कि जी आपकी बेटी से मैं शादी करवाना चाहता हूँ। बोले मेरी बेटी? आप करेंगे? नसीब की बात है। बोले नहीं, जुलैबीब। गौर से सुनिएगा, इस हदीस में हम सब के लिए नसीहत है, अमल ज़रूरी है। जुलैबीब, तो उस लड़की के बाप ने कहा कि मैं ज़रा लड़की के अम्मी से पूछ लेता हूँ। आजकल अम्मी भी बोलती है ना, अरे हमसे तो पूछा ही नहीं, सब चीज़ उनसे ही पूछ कर होता है, अम्मी ही काट पीट करती है, नाक इस तरीके से ऊंची है, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, मेरा दामाद ऐसा होना चाहिए, पूरा काट पीट तो उधर ही से होता है। इसलिए औरत ही औरत की दुश्मन है, याद रखिएगा, पूरा काट पीट उधर ही से करते हैं। गए, खाए पिए, साड़ी पहने, कपड़ा पहने आ गए, कितनी जगह पे खा खा के आ रहे हैं और काट काट के आ रहे हैं। बोले जुलैबीब के लिए? अच्छा, तो बोले मैं ज़रा लड़की के अम्मी से पूछ लेता हूँ। ठीक है, जैसे अम्मी से कहा, हाँ जुलैबीब ही नहीं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना अरबी का, यही अरबी ही है, जुलैबीब को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। अब आप ही बताइए, काले कलूटे को कोई अपनी बेटी देगा? खोल के, हाँ पैसा रहेगा तो दे देगा, आए ईमान वाले दे देंगे, लेकिन कितने ईमान वाले भी बड़े ढोलमल चल रहे हैं भाई, पैसा गोलमोल, सही बोले आप, गोलमाल धमाल, पैसा है तो कमाल वरना सब कंगाल, पूरा खेल उसी के ऊपर है। काले कलूटे, जुलैबी, ना ना ना, हम अपनी बेटी नहीं देंगे। मैं हदीस सुना रहा हूँ मुसनद अहमद की, आगे पीछे कोई मसाला नहीं। बेटी ने जब ये सुना, आज वो बेटी मदरसे से निकलेगी, कुरान और हदीस पढ़ने वाली बेटी होगी, अल्लाह का डर और खौफ, तो वो यही कहेगी। बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से पढ़ी हुई थी, मस्जिद नबवी की, तो बेटी ने कहा मेरे माँ बाप, अम्मी जान, अब्बू जान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम भेजा है, मैं इस पैगाम को रद्द नहीं कर सकती, यानी मुझे यह पैगाम कबूल है, शादी का यह पैगाम कबूल है, आप लोग क्यों छोड़ रहे हो? आप सुनिए, मैं उन लोगों के कान खोलना चाहता हूँ जो सरकारी जॉब वाले को अपनी बेटी दे रहे हैं और नेक लोगों को नहीं दे रहे हैं। गौर से सुन लिए, शादी हो गई, जब शादी हुई तो यही जुलैबीब, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, गज़वा उहुद के अंदर 7 लोगों को मारे और 7 उन्होंने मिलकर इनको शहीद कर दिया, यही जुलैबीब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाश को अपने गोद में उठाया, पहले पूछा जुलैबीब कहाँ है, ढूंढो, मिले। इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेवा औरत के लिए दुआ कर दी, अल्लाह जो इस औरत पर अल्लाह माल बरसा दे, यानी माला माल बना दे, मालदार बना दे इस औरत को। रावी कहते हैं जो ये हदीस बयान किए, पूरे मदीना में
इस औरत से ज्यादा जो बेवा औरत थी कोई मालदार औरत नहीं थी। देखा आपने, कोई सरकारी जॉब था जुलैबीब के पास, बेचारे के पास तो शक्ल सूरत नहीं थी लेकिन ईमान की दौलत थी, इस्लाम की दौलत थी। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान वाले इस्लाम वाले को अपनी बेटी दीजिए, नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। आइए एक वाक्य और इसी मुनासिबत से सुनाता हूँ। कितने लोग परदेसी को भी अपनी बेटी नहीं देते हैं, आजकल खानदान में भी वो चल रहा। मेरे खानदान का तो खानदान का कहीं कहीं बड़ा मसला है, फिर वो सब भी चल रहा, वो शेख है तो वो सैयद, वो खान, वो पठान, वो अंसारी, वो दीसा, वो डैट, वो सब बहुत चल रहा है। अरे ये कलमा पढ़ने वाले ये सब चलाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या सुन लीजिए, बस उसके बाद मैं बात ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान है, नौजवानों के नाम बड़ा पैगाम है इस वाक्य में। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे हैं तो एक उनके ख़ानदान का, एक फिरौन के ख़ानदान का, दोनों लड़ रहे हैं। तो इसने बुलाया मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम गए। मूसा अलैहिस्सलाम हट्टे कट्टे थे, अभी शादी नहीं हुई, हट्टे कट्टे नौजवान हैं। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ, सेहत को बचा करके रखिए, आज सेहत बर्बाद हो रही है, जवानी ही में चश्मा लग रहा है मोबाइल की वजह से, गुटखा खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब खा पी रहे हैं, नुकसान हो रहा है। क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम गए तो देखो दो लड़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने घूसा मारा, इसलिए बोलते हैं मूसा का घूसा, जानते हैं ये घूसा। तो जैसे ही घूसा मारा सामने वाला मर गया, जो दूसरे दुश्मन का था वो मर गया, अब इनके खानदान का जो था वो बच गया। फिर दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अरे वही लड़ रहा है जो कल लड़ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछ लिया, अरे कल तू लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है। तो ये डर के मारे बोल दिया, मूसा कल आपने एक को मार दिया था, आज मेरी बारी तो नहीं है, कैसा ना मुझे मार दें। और तो पता चल गया कि वो कल जो मसला हुआ था वो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक को मारा था, वो गलती से हो गया, जान से मारना नहीं चाहते थे, शैतान ने बका दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम चले मदियन चले गए। अब देखिए मिस्र से मदियन, जब मदियन वहाँ गए, ये भी शहर का नाम है, वहाँ पहुँचे तो देखा दो लड़कियां हैं जो पानी पिलाने के इंतज़ार में है कि सब लोग पानी पिला लेंगे। कुआं होता था पहले देहात वहात में भी, कुआं होता था, अब तो पानी का नल आ गया है, पहले कुआं होता था, कुएं को क्या बोलते हैं, कुआं होता है, डोल डालते पानी निकालते थे, अब तो पोखर उखर भी है, आप लोग यहाँ पोखर, हम लोग भी पोखर ही बोलते हैं, तो कुआं होता था वहाँ डोल डाल के पानी निकालते थे। तो पहले बकरी उकरी को भी लोग ले जाके पानी वहीं पिलाते थे। तो दो बहन जो है वो बकरी को लेकर वहीं खड़ी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, माँ खत्व कोमा, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? इससे यह मसला निकला, नौजवानों को चाहिए कि वो खिदमत करे समाज की, सोशल वर्क, हर जगह बहनी कोई काम है, चची कोई काम है, दादी कोई काम है, कोई काम करना तो करना खड़े। तो उन दोनों ने कहा, काल ताला नस की हत्ता युजर रिया वाबूना शेख उन कबीर, हम दोनों अभी पानी नहीं पिला पा रहे हैं क्योंकि ये लोग चरवाहे लोग पानी पिला रहे हैं, इसलिए हम अलग थलग हैं और हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला, अगर घर में तरबियत बेटी की अच्छी है तो वो मार्केट में भी जाएगी तो अलग थलग रहेगी, घर से बाहर भी जाएगी तो अलग थलग रहे, ऐसा नहीं कि मर्द में घुस जाए। आजकल देख लीजिए कितनी लेडीज मर्द ही में घुस जा रही है, सब चल रही है लेकिन नहीं, अल्लाह वाली वहीं खड़ी है। और एक जुमला और कहा, हुआ अबू ना शेखुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इसे यह पता चला वो बेचारी मजबूरी में घर से बाहर निकली थी। आजकल मैं एक जुमला अक्सर उर्दू में बोलता हूँ, पहले की औरतें मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, आजकल की कुछ माए बहनें मजबूरी में घर के अंदर हैं, यानी उनको अच्छा नहीं लगता, बस बाहर घूम रही हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर उन लोगों ने कहा, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, इसका मतलब माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, बेटी भी माँ बाप की खिदमत करेगी अगर पार लगा। इससे एक मसला ये भी निकला कि अगर घर में कोई मर्द नहीं रहे तो मजबूरी में औरत बाहर निकल सकती है। अब आगे क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ आप लोग याद कर लीजिए, बड़ी अहम दुआ है। ये दुआ पढ़ने से घर भी मिल गया और घर वाली भी मिल गई, यानी जोरू भी मिल गई, बीवी भी मिल गई। ऐ मेरे रब, तू मेरी तरफ जो कुछ उतार रहा मैं मोहताज हूँ, दुआ करने लगे। तो अब क्या हुआ,
दो बहनों में से एक बहन आई, तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। कुरान के इस अंदाज पर याद कीजिए और गौर कीजिए, पूरे कुरान में किसी औरत के बारे में इतना अच्छा नहीं बयान हुआ है, यानी इतना अच्छा, शर्माते हुए। तो औरत का असली जेवर है शर्मो हया। जिस औरत में शर्मो हया नहीं है तो आप समझ जाइए वो औरत नहीं है। कुरान ने ये नहीं कहा वो लंबी थी, उसके चेहरे गोल थे, देखने में अच्छी लगती थी, ना। तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। इसलिए माओ बहनों में शर्मो हया बहुत ज़रूरी है, अपने घर में सिखाइए। उसके बाद आगे कहा इन्ना भी यदू का लिए अज्जिया काजरमा सकैता लाना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको कुछ बदला दे दे जो हमको पानी पिला दिया। यहाँ एक मसला ये निकला, फ्री में कोई काम नहीं कराने का। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते क्या? अरे भाई देते। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते क्या? मौली साहब फ्री में फतवा देते क्या? नहीं। देखिए वो सही है, नहीं नहीं, मौली साहब कहाँ फ्री में फतवा दे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मौली साहब ये फतवा बताइए, फ्री में देते या फ्री में नहीं देते? पैसा लेते हैं क्या फतवा देने का? नहीं आ रही मेरी उर्दू आप लोगों को। डॉक्टर साहब पैसा लेते, इंजीनियर साहब पैसा लेते, मौली साहब पैसा लेते क्या? नहीं लेते। लेकिन मौली साहब को लोग पूछते बहुत है, मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब, लेकिन कभी पूछते नहीं है कितनी तकलीफ में। लोग पूछते हैं, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? भाई हर चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, मौलाना लोग की वैल्यू घटा रहे हैं। मौलाना मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम जब घर गए तो शुएब नामी नेक आदमी या शुएब अलैहि सलातो वस्सलाम ने कहा ला तखफ नजौत मिन अल-क़ौमि ज़ालिमीन, घबराइए नहीं, आप यहाँ रहिए। फिरौन है तो क्या हुआ? अरे वो अपने यहाँ, आप हमारे यहाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद खुद कहा मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ परदेसी को जो तौहीद वाला था अपनी बेटी दे दिया। ये नहीं कहा 1 लाख कमा रहा है क्या, सरकारी जॉब है क्या, कुछ बंगला है क्या? मूसा अलैहिस्सलाम के पास बंगला कहाँ से आएगा? वो तो खुद ही परदेसी बन के आए थे, है कि नहीं? इससे बहुत सारे मसले हैं। तो बताना ये है नौजवानों का सोशल वर्क में आगे रहे। बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, मिसाली नौजवान बनिए, अपना मदरसा आपका है, आप ख्याल रखिए, नाम आपका ही होगा, आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे, इसका नाम दुनिया में रोशन होगा। ये बच्चे आपके हैं, दुनिया में बोले हाँ फलनमा का बेटा है, उनकी बेटी है, और मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया है। इंशाल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू होगी। मेरी उर्दू थोड़ा बहुत समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई ना, नहीं आई कि आई? आगे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।